हसन साहब खजाना लेकर हमारी हद में आ गए। अब मौका बहुत अच्छा है। सुनो साथियों, बिना वजह किसी की जान नहीं ली जाएगी। चलो कहिए कप्तान साहब, क्या सेवा की जाए आपकी? सुल्ताना, जानते हो जिस रुपए पर तुमने कब्जा किया है वो सरकारी है? अच्छी तरह जानता हूँ। उतार लो ये संदूक। उठाओ। हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे। मगर इसका अंजाम मालूम है? तुम सबको फांसी पर लटका दिया जाएगा। अगर इसका भ्रम चाहे तो तुम्हें फांसी पर लटका सकते हैं। मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तुमसे एक सौदा करना चाहते हैं कैप्टन। सौदा? हाँ, अगर तुम हमारे कबीले वालों को आजाद करने का वायदा कर लो तो हम भी तुम्हें आजाद कर देंगे। तो उससे क्या हो कप्तान साहब, जान बचाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हाँ। जन खाना बदोशों के लिए आप अपनी जान खतरे में क्यों डालते हो? वादा कर लो कैप्टन साहब। अच्छी बात है, किला में पहुंचते ही तुम्हारे कबीले वालों को रहा कर दिया जाएगा। मगर याद रखिएगा, वादा खिलाफी का अंजाम बहुत बुरा होगा। जाने दो इन्हें। मां सुल्ताना, ये लो चाची, अब आशा की शादी में कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुल्ताना। बेटा देख तो, कल के साहूकार आज भिखारी बनकर आपके दर पे आए हैं। हुजूर, हमें सुल्ताना के जुल्म और सितम से बचाइए। उसने हमारा जीना हराम कर रखा है। ऐसा मालूम होता है सरकार के जिला बिजनौर में हुकूमत मर चुकी है, इंसाफ दम तोड़ चुका है और कानून मुर्दा हो गया है। हमारी दशा तो उस विधवा स्त्री समान हो गई है सरकार, जिसका सुहाग उजड़ चुका हो, जिसका कोई निगेबान ना हो, जिसका कोई रखवाला ना हो। हम खुद भी शर्मिंदा है। सुल्ताना का हाथ ना आना हमारे लिए बदनामी का बायस है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने भारी इनाम का ऐलान भी किया है और अब यह केस अपने काबिल ऑफिसर कैप्टन यंग को सपोर्ट करने का फैसला किया है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द
इस अंधेरगर्दी का खात्मा हो जाएगा। तब तो हमारी सात पुश्तें आपको दुआ देंगी माई बाप। धन्यवाद सरकार। कनेक्ट मी टू नजीबाबाद फोर्ट। नजीबाबाद फोर्ट, आई यू स्पीकिंग, कॉल मिस्टर यंग। कैप्टन, हमको तुमसे एक बात करना है। एनीथिंग सीरियस सर? यस, इट इज अबाउट सुल्ताना। सुल्ताना? यस, उसके लूट मार इतनी बढ़ गई है कि लोगों का भरोसा पिछले गवर्नमेंट से उठता जा रहा है। उसकी एक्टिविटी हमारे लिए चैलेंज है। उसका हाथ न आना हमारी तमाम पुलिस फोर्स की तोहीन है। यू आर राइट सर, आई मस्ट से यू आर वेरी मच राइट। इसीलिए हमने तुमको ये केस सपोर्ट करने का फैसला किया। हमें तुम्हारी काबिलियत और दूरंदेशी पर पूरा भरोसा है। थैंक यू वेरी मच। हमें उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द इस सुल्ताना ग्रुप को समाप्त करोगे। वेल, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट सर। आई नो यू वेल, लेकिन एक शर्त पर, कि इस केस में कैप्टन हटसन कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। एग्री, हमने इस केस का फाइल भी उससे मंगा लिया। फाइल? यस सर। थैंक यू वेरी मच। हेलो। हेलो, let us have some drinks, isn't it? I think that is much better, sir. Oh my God! Hey, what's up? Hey, come on, come on! Ha ha ha! What are you doing? मोती खोलो इसे। कमाल है, उठाओ मैं खोलू। मैं मोती भवानी माते की जय। भवानी माते की जय। भवानी माते की जय। माता, आज तेरी बहुत हुई कृपा। देखो मोती, इसमें से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए रखकर बाकी आपसे बांट लो। तुमने सुना नहीं, पहले गरीबों के लिए लाओ कपड़ा। कपड़ा लाओ भाई, ये लो। नहीं शाबाश, और कपड़ा की जरूरत? ये लो शाबाश। हाँ, दान दल नहीं बंधु। हाँ, तुम शाबाश शाबाश। ये 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 तो तुम लो, और ये और और, और ये तुम लो। तुमको मिला? हाँ नहीं, ये लो। हाँ, और ये सोना। मोती, माल बांट दिया? हाँ, सब बांट दिया, वो भी निकाल दिया। चलो मैं जादू दिखाता हूँ। जादू? हाँ, देखो ये हार है ना, ये मैं अपने जेब में रखता हूँ और दूसरे के जेब से निकालता हूँ। वो कैसे? वो देखिए ना, काली कलकत्ते वाली माँ काली, बता किसके जेब में? इसी जेब में। मोती, तुमने तो कमाल कर दिया। ये जादू कैसे? क्या करे, डाकू चोर निकला, एक हार जेब में रखा, मांगूंगा तो मार देगा, इसलिए जादू करनी पड़ी। जादू अच्छे ना? बहुत अच्छा। तो मैंने भी जादू सीख लिया। ये कारण है, इसको दो कर देता हूँ। तुम भी जादू सीख गए? कोई बात नहीं। अरे, इस खूबसूरत जोड़े पर किसी की नजर ही नहीं पड़ी। पड़ी थी, पड़ी थी, लेकिन वो तुम्हारे रखा गया है। ये मेरे लिए? नहीं 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 नहीं, तारा के लिए। उस्ताद, अब शादी कर ही डालो। जोड़ा मिला है तुम्हारा, दोनों का जोड़ा भी एक खूबसूरत जोड़ा मालूम होगा।
चाची तुम्हारी आंखों में आंसू। बेटी घर से विदा हो और माँ की आंखों में आंसू ना आए। माँ सदा सुखी रहो, दूधों ना हाँ पूतो भरो, लेकिन इस माँ को भी कभी कभी याद कर लेना। बेटी माँ को कभी भूल सकती है माँ। बेटी अच्छा भैया अब चलते हैं। तुम्हें साक्षी मानकर आज मैं तारा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। माता मैंने भी इन्हें मन वचन और कर्म से अपना पति मान लिया है। हम दोनों को आशीर्वाद दो कि हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी रहे। क्या कर रही हो? मेरे साथियों ने कितने प्यार से तुम्हारे लिए इसे सजाई और तुम हो के। मैंने तुम्हारे जीवन में कांटे बिछा दिए सुल्ताना, तो ये फूल अच्छे नहीं लगते। पगली, तुम्हारी जगह मेरे कबीले की कोई दूसरी लड़की होती तो क्या उसे मैं उस नीच ठाकुर की हवस का शिकार हो जाने देता? तुम अपने आप को मेरे लिए कभी ना कोसना तारा। अब तुम्हारा धर्म है मेरे साथ हर हाल में खुश रहना, और जब मैं खतरों से खेल कर वापस आऊं तो अपनी मीठी मुस्कुराहट से मेरी सारी थकावटें दूर करना। पति के साथ खतरों से खेलना भी तो धर्म है मेरा। हाँ, मेरी आत्मा बनकर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी तारा। अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर, अल्लाह सदा 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 सदा। क्या बात है मोती, बहुत खुश नजर आ रहे हो आज। दो दो खुशी की बातें हैं। वो क्या? पहले तो ये कि पन्ना ने मुझे बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी। अरे बेवकूफ, ये भी कोई खुशी की बात है? हाँ, इस बहस में मुझे पन्ना ने भी नहीं बचाना। अच्छा, और जो पैसा ना तो थिरकते हुए मटकते हुए गले में बाहर डालते हुए शादी का वादा किया। हाँ ठीक है ठीक है। दूसरी बात? दूसरी बात ये है कि ठाकुर अजीत सिंह के बेटे की शादी है और उसमें जश्न होने वाला है। ठाकुर अजीत सिंह? हाँ, उसके तो हमारे ऊपर बड़े आसान आदमी, उसके यहाँ तो जाना भी पड़ेगा।